हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। और अभी हम लोग जो है अजमेर से चेकआउट करने के बाद निकले हैं पुष्कर के लिए। तो हम लोग जो है पुष्कर भी घूमने के लिए निकले हैं, और पिछली बार जब हम आए थे ना तो पुष्कर नहीं घूम पाए थे, लेकिन अभी जो है पुष्कर भी घूम करके ही जाएंगे। तो बस अभी हम लोग पुष्कर में जैसे ही एंटर किए, वैसे ही हमें जो एक पर्सन मिले थे, वो हमें गाइड कर रहे थे कि अगर आप जा रहे हो अंदर तो आपको मैं वहाँ तक लेकर के चलता हूँ। तो ऐसे जगह जगह पे आपको जो है ऐसे पर्सन भी मिल जाते हैं जो कि आपको गाइड करने के लिए आ जाते हैं। बस आत्मा जा रहे हैं पीछे से, बैठे बैठे आओ इधर आओ इधर आओ पीछे पीछे आते जाओ हमारे, चलो चलते हैं, क्या होता है चलता है बताते। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं उस वाले एरिया में जहां से हम लोग को अंदर जाने के लिए टिकट्स मिलेंगी, जो भी हम राइड करना चाहते हैं, जिससे भी राइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहां से अलग से चार्ज करना पड़ेगा। तो जो आपको अजमेर से जो है बताते हैं कि हम आपको पुष्कर घुमाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको अलग से ही उसके लिए पे करना होता है, वो आपको यहाँ तक लाकर छोड़ देते हैं, उसके आगे जाने के लिए आपको खुद से पे करना पड़ेगा। तो ऐसा है, और बस यहाँ पर अभी हम आ गए हैं, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, किससे जाते हैं। जो भी होगा आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। क्या है ये, चप्पी है? चप्पी वो चप्पल से चप्पी कह रही है, चप्पी चप्पी और बैलून से कह रही थी वो, अभी बैलू पहले तो सही कहती थी, ये बैलून अब इसको बैलू बैलू हो गया है। ऊपर बैठ के क्या बोलूं, तैयार हूँ घूमने के लिए। हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं कैमल राइड लेना चाहती हूँ। कैमल राइड पालकी वाली? अच्छा, देखिए ये पुष्कर के साइट सीइंग का लोकेशन है, कैमल कैमल कार्ड पे देखने को मिलेगा। जब तक आप लोग घूम के आएंगे आपका फोर व्हीलर गाड़ी यहाँ पे पार्किंग रहेगा, पार्किंग चार्ज नहीं लगता है। सबसे पहला चीज है रोज गार्डन, आम जाऊन हम लोग के बगीचे, पुष्कर फोर्ट रिसोर्ट, दिया बाती का जहाँ सीरियल शूट हुआ बाबू का घर, बजरंगी भाईजान का शूटिंग लोकेशन पॉइंट, करण अर्जुन की मूवी में जो सॉन्ग शूट हुआ भंगड़ा पाले, राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, बंजारों का गाना बजाना और कॉस्ट्यूम। अगर आपकी फैमिली मेंबर कोई भी कॉस्ट्यूम पहनता है उसका चार्ज आपको अलग से पे करना है, डेजर्ट में उसकी शॉप होती है, ठीक है। 100, 150, 200 तक का मिनिमम ड्रेस वहाँ पे अवेलेबल। एक ऐसा सिंगल कैमल है, ये 11 फीट की हाइट पे रहता है, ये 2500 का पड़ेगा। एक ऐसा फैमिली गाड़ी है जिसमें कैमल राइड और बैक राइड दोनों कॉम्बो पैक है, आपके फैमिली मेंबर सब लोग इसमें आ जाओगे, बच्चों को कैमल राइड भी मिलेगा इसमें और बैक राइड कॉम्बो पैक में रहता है, ऐसा शर्डेड होता है, कंफर्ट होता है गाड़ी। गाड़ी लेती है 3000 का पड़ता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें बस सारा साइट सीन का लोकेशन देखना है, पॉइंट लोकेशन घूमना है, आराम से जाना है, आराम से आना है, तो कैमल कार्ड इज द बेस्ट राइड। जो लोग दुबई जाते हैं एडवेंचरिंग करते हैं, वैसा सैम मिनी दुबई राइड यहाँ पे पुष्कर में भी है। ये आपको 25 से 30 किलोमीटर का राइड देता है, उसके अंदर बिग ड्यून पे अप एंड डाउन करना, ट्रैकिंग करना, एडवेंचरिंग करना विद जंगल सफारी। जीप लेते हैं, जीप 5600 का है, योर चॉइस। नॉर्मल घूमना चाहते हैं तो कैमल कार्ड का यूज कर सकते हैं, एडवेंचरिंग करना चाहते हैं तो आप जीप सफारी का यूज भी कर सकते हैं, टाइम दोनों में सेम लगेगा 1 आवर 30 मिनट। कैमल का कितना हो रहा है? कैमल गाड़ी का फैमिली गाड़ी लोगे वो 3000 का है, इसमें आपकी फैमिली पूरी आ जाएगी, इसमें कैमल राइड भी मिलेगा और बैक राइड दोनों कॉम्बो पैक में रहता है। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोग ये जो गाड़ी देख रहे हो ना, ये गाड़ी जाएगी हम लोग को लेकर, तो इसमें ही हम लोग आज सवारी करने वाले हैं। बाकी और भी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, ये है ईको, कैमल वाली है, थार है, और भी बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो कि लेकर जाती हैं, लेकिन इनका सबका चार्ज अलग अलग है। बाकी इनमें से गाड़ियाँ जो भी आपको पसंद करनी वो आप ले जा सकते हैं। चलो। तेरा मोबाइल दे रही है? मेरा पास है। तो मैं कैंपर अंदर रख दिया।
तो तू ऊपर नहीं चढ़ना ही बोल रहे तू इधर पीछे मैं देख लूँ तो भाभी और तुम दोनों पीछे अभी ले ले के आएंगे पीछे ओके चौगट चलो इसको देख ले रहा देखते हैं रोहित तो नहीं नहीं फिर मैं चढ़ूंगा पीछे ये लो ले लो अरे पोसी चढ़ेंगे ऐसे हम तैयार हैं कुछ एडवेंचर्स करने के लिए अभी चलाना सीखूंगा मैं हाँ ऐसा मत करना भैया छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे जी भी आ रही है पीछे ये रह गई सिर्फ आपको लगता है हमें आगे आना है हमें बोल देना 1983 में देश ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता गाइस बहुत मजा आ रहा है बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और अभी बस देखते हैं हम क्या क्या करते हैं आज आज का ब्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है बहुत मजा किया मजा और पीछे मजा आया ऊपर चढ़ा यार मत चढ़ना मजा लेके देखो बस ये रह जाएगी तुम्हें वहाँ से थोड़ी ना जंप करना था बेटा यहाँ से जंप करना है करो जंप ये चलो बैठेंगे बैठेंगे आओ गुरु आओ देखो क्या सब पहनते हैं जैसे ऐसा पूरा जेवर बनाओगे कितने में जैसे आप ज्वेलरी लगाओगे ज्वेलरी का सबसे बेस्ट होता है क्या ज्वेलरी का साथ में क्या है जैसे सिंपल है तो 200 का आता है जिसी में ऐसा आता है सिर्फ ड्रेस आता है ऐसा ले तो 300 का आता है जिसी में हाथों के गले का सिर का पूरा ड्रेस और ज्वेलरी ऐसा है ज्वेलरी के साथ दो ना कहा था बताओ सही से सही लगा चार जने देखो मेरी बात इसकी भी हो तो इसकी भी दे देना बताओ ऐसे तो 400 का सेट आता है जिसी में चार प्रकार की ज्वेलरी आएगा जिसी में हाथों के गले का नाक का सिर का और जैसी ज्वेलरी आप... चाहे वैसे दे सकते हैं 400 रुपए का आंख में चला जाए 400 का है 500 का है 700 का 700 का पूरा सेट आता है जिसी में ऐसा तैयार करके दे देगी 800 रुपए हो गया 800 रुपए हो गए देखो खुद का दिमाग बहुत लगा रहे स्वागत नहीं करोगे हमारा तो क्या क्या कह रहे हैं ऐसे सेटअप दे दूंगा ठीक है हाथों के गले का सिर का कमरबंद नहीं चाहिए ना आपको मत दो रहने दो कमरबंद तो होगा तो ठीक है हाथों के गले का सिर का और नाक का चार प्रकार की ज्वेलरी आ रहा है नाक की कैसी है आपको 300 रुपए दे देना कमरबंद भी दे दूंगा ये देखो कितनी रेत रेत में खेल रहे इनको मजा आ गया मिट्टी मिल गई बेटू आंखों इसके ना बालों में नहीं भरना है ना इसके बालों में नहीं भरो तो गाइस यहाँ देखो चिक चिक बाजी हो रही है ड्रेस नहीं दे रहे हैं कभी कर रहे हैं कुछ कभी कह रहे हैं कुछ तो इनका देख लेते हैं उसके बाद रेत में खेला जा रहा है बहुत ही मिट्टी में खेलने को मिल गया ना वैसे कभी मिलता नहीं है आप क्या होगे मजा आ रहा है कौन सी राइड करना चाहते हैं उसमें जाना चाहता हूँ
मटका छोटा ही है, अरे कुछ नहीं हो रहा भैया, मेहमान है हमारे घर, ये फोटो निकालना कैमरे तो क्या मैं कर लियो कट हाँ रुक यार रुक यार रुक यार हाँ घूमो 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 तैयार। और ये देख लीजिए, ये है मेरा राजस्थानी लुक और बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि मैं इस लुक में आई हूँ। और जब हम जयपुर गए थे उस टाइम पे फर्स्ट टाइम आई थी, और अभी आप बता ना कैसे लग रही हूँ मैं। और देखो आलिया, आलिया की जन्नत नहीं निकल गई है। सो गाइस फाइनली सब लोग रेडी हो गए हैं, बाजी बच्चे मैं और मेरे तो फोटो पोजेस भी हो गए साथ में। हुरैन का ये हुरैन ने सब आंखों आंखों में सब में ये रेत ही रेत भर लिया। सो गाइस यहाँ हुरैन ने भी पहन लिया है नेकलेस, इतना बड़ा वाला, इतना बड़ा वाला नेकलेस है, इनसे भी बड़ा है। हाँ इनसे भी बड़ा है। अच्छा गाना गाया है, मजा ही आ गया। आंटी हेलो करते ऐसे करके, हाथ हिला दो ऐसे करके, आओ अपन फोटो खींचेंगे, आ जाओ इधर आओ, आ जाओ भाजी। इन्होंने हमें तैयार भी किया है और हमारे लिए गाना भी गाया है, बहुत मजा आ गया आज तो। नींबू पानी है तो नींबू पानी है तो सोलो भी है, सोडा ये अपना सोडा ही है। क्या अच्छा ये ही आ रहा है, छह कंधे रहे और पांच ग्यारह कंधे किसी को कैमल का राइड करना तो कैमल बाबू को इधर लेटा दो, अभी गर्मी ही नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ एक बच्चे के साथ ये एक उड़ो भैया, अरे नहीं तो एक पे तीनों को बिठा दो ना, वो तो छोटी है, तीन आते नहीं है ना, देख लो एक बार आप आते हो देखो, दो की सीट होती है फिगर, तीन सौ रुपए में दो जने, 300 में एक कैमी लेना, एक में तो दो चलो आ जाओ। हाँ तो दो तो करीब है वो बैठ जाओ तो बस बुढ़िया दीदी आप कौन, आप दोनों डरो मत आराम से बैठो ठीक है ना, मोनी दादा फोटो और वीडियो कर ले रहा है, वो लेंस कट है लेंस ले जाओ बढ़िया फोटो, वहाँ फोटो वीडियो पर पानी आ रही है पानी। तो गाइस फाइनली हम लोग आज ऊंट पर बैठ रहे हैं, हमारे गांव में हुआ करते थे, हमारे घर पे पले हुए थे, लेकिन आज वो नहीं है तो इसलिए हम ऊंट की सवारी कर रहे हैं साथ में है ना यार। इनको दे दो ये बिठा देगी, हाँ हाँ रुक जा बिठाना नहीं उतर जाओ ना, उतर गई हूँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अंकल इसका नाम क्या था? उद्दा 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 नाम है, बहुत बढ़िया सवारी करवाई है, मजा आ गया। इसने उल्टी कर दी वो पता नहीं क्या खा गया, उल्टी कर दी थी उसने निकल गया। वो कह रही है, वो यो कह रही है इस वाले ऊंट की नाक निकल रही है, उसने उल्टी कर दी इन ऊपर भारी भारी बैठ गई ना इसलिए उसने उल्टी कर दी वही कर रही है।
अब हम जाएंगे उधर उधर, अपन जहाँ पे उतरेंगे पैदल खुटी जाएंगे। हैं ऐसे कह रहे थे क्या वो? नहीं कह रहे, नहीं थे कह रहे थे कि यहाँ ना रुकेंगे। अच्छा, बस मजा बहुत आ रहा है क्यों बेटू? हाँ वो चढ़ ले, मजा तो बहुत आ रहा है। नहीं जी हाँ, एक बड़ो भी और एक बच्चे है ना। मैगी बन रही है यहाँ पे बच्चों के लिए, भैया बना रहे हैं, बना रहे हैं रवि भैया। हाँ अभी हमने खाई तो नहीं है, लेकिन खा के देखेंगे फिर बताएंगे। तीन पैकेट बनाने ना, प्लेन है बिल्कुल, प्लेन बनानी है ना। यहाँ पे खा रही हैं, यहाँ पे ये रखी हुई है मैगी, यहाँ पे ये है। तो गाइस अभी मैं आ गई अंदर, क्योंकि हुरैन उठ गई है और बस अब हमारी ये वाली राइड खत्म होने वाली है, थोड़ी दूर का रास्ता हो गया। और यहाँ पे देखो खड़े होके खाना तो खिला दो कैमल को। हम गए थे उन पहाड़ों के पीछे, पहाड़ों के पीछे गए थे। ओ बंदर, ओ बंदर मारती है भाई, उससे मारते हैं। तुम बताओ, तुम बताओ, मम्मी के पीछे वो तो केले फेंकती है, फेंकती है पूरे। एक बार पराठे खा गए पूरे। अच्छा, राय को मकान में रहते थे तो कम आ गई, एक बंदर आ गया, मम्मी इधर पराठे सेक रही, मम्मी ने एक पराठा डाला वो खा गया, फिर का रख कहाँ पे मुरैने में हम जब आ रहे थे। अच्छा, जा रहा है जगह। सो गाइस हम लोग जहाँ से गए थे हम लोग फिर से वहीं पर आ गए हैं, और हमारी एक राइड रह गई है, वो है डोली वाली, वहाँ साइड है, वो आप लोगों को आगे देखने को मिल जाएगी व्लॉग में। तो बने रहिए, कैसा लग रहा है व्लॉग में मुझे बताना कमेंट करके, मज़ा आ रहा है या नहीं। जितना मज़ा हम लोग को आया उतना मज़ा आप लोगों को भी देख कर आया ही होगा, है ना, खूब एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। बस यहाँ पर बच्चे भी आ चुके हैं दोनों। ये वाली है राइड, ये वाली है, बाकी सारी राइड हमने करी है लेकिन ये वाली रह गई है, तो ये वाली भी डेंजर, सबसे डेंजर, इतनी ऊंची पहाड़ी पे से क्या कर रही है बेटा, गिर गई, इतनी ऊंची पहाड़ी पे से आएगी तो हम लोग आएंगे यहाँ पे, और बड़ा ही मजा आ रहा है। बस हाथ पैरों में दर्द हो गया तुम लोगों के? हाँ यार, मेरे इतने हाथ पैर दर्द कर रहा है ना बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हम लोग पीछे गाड़ी में खड़े हुए थे ना, तो इतना एडवेंचर जगह थी ना, ऊंचाई नीचाई चढ़ाई वढ़ाई सब था उसमें, तो ना अब हाथ पैर इतने दर्द कर रहे क्योंकि हम लोग, ये क्यों मना कर रही है क्यों मना कर रही हो? चलो गाइस अब चलते हैं ऊपर, अब पता नहीं कैसे जाएंगे, पैदल जाना पड़ेगा या फिर आई डोंट नो, देखते हैं ऊपर जाकर। तो अभी तो हम सिर्फ इतना चढ़ के आए हैं, लेकिन अभी हम लोग को जाना इतना ऊपर, वो चढ़ के जहाँ तक उंगली जा रही है वहाँ तक ध्यान से देखिए, वहाँ तक जाना है अभी। और बस सांस फूल गई चल चढ़ी है, वो तो चार पांच डोली है ना, कितनी सारी डोली तो आएंगी, सबसे लास्ट हम ही आए हैं, और हमारे पीछे भी कोई आ जाए तो बता नहीं है। यहाँ पे हम लोग को जाना है अंदर। सो गाइस धीरे धीरे करके हमारा जो है नंबर आ ही गया, और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, और यहाँ पर देखो अंदर आ चुके हैं, तो अभी यहाँ पर बैठ करके वेट करना पड़ेगा, और ये मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तब तक, तो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और एक मिनट,
लॉक लग गया है, अब तुम बाहर नहीं निकल सकती हो, समझी? ताला बंद है अभी। आ गई डोली पालकी जो भी है, आ गई। अच्छा ये इस तरह से ऐसे रखती है। हाँ तो और क्या, इसका टिकट कितने का था? 165 का पर पर्सन। हेलो गाइस, अब हमारी बारी आ गई है, हम जा रहे हैं नीचे। चलो है ना, चलो। आप कोने कोने में बैठ गए, बच्चों को बीच में ले लो, बच्चों बीच में आ जाओ। स्लोली देखो हम कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं यहाँ से। ओह माय गॉड कहाँ पे? वहीं सामने था, वो कैंप वगैरह लगे हैं। हाँ 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 ऊंचाई से किस किस को डर लगता है पहले ये बता। ये दूसरा नहीं है ना, ये सिंपल है। ऑफ राइडिंग भी कर ली आज। बगल से निकलते जा रहे हैं सारे लोग। कैसे हो, चाय वाय पी ली क्या? आज ऑफ राइडिंग भी कर ली, आज ऊंचाइयों पर भी आ गए। पीछे तो देखो कितनी। नहीं अच्छे से पकड़ी हूँ मैं, डोंट वरी। हेलो फ्रेंड्स हो रही है। हम आ गए पहाड़ों के बीच आज। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं बिल्कुल टॉप पर, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, बहुत मज़ा भी आ रहा है। और यहाँ पर सारे लोगों की भीड़ आप लोग देख सकते हैं, ये सब लोग जाने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे, और हम लोग ऊपर आए हैं। तो ये देखो इस तरह से जो है पालकी आती है, ये दिख रही है, तो ये इस तरह से आती है ऊपर और ऐसे ही बैक में जाती है। लाइटिंग सी दिखेगी ना पूरे में। ये देखो बंदर ही बंदर चिपके हुए हैं यहाँ पे। जी कहाँ गई? रेलिंग बहुत बड़ी बड़ी लगी है। ये देखो फुल व्यू पुष्कर शहर, पुष्कर इतना बड़ा है। पुष्कर अजमेर में मिक्स है। अच्छा ये है। अच्छा मुझे लगा पूरे पुष्कर है। अच्छा नीचे भी चेक होंगे क्या? अब नहीं होंगे ना। ये
देखते हैं यहाँ का दाल बाटी चूरमा कैसा है। काफ़ी तारीफ सुनी है यहाँ के लोगों से, काफ़ी तारीफ सुनी है यहाँ के लोगों से, तो यहाँ का देखते हैं दाल बाटी चूरमा कैसा है। चलो आप लोग को भी रिव्यू देंगे। सो गाइज़ यहाँ पर हमारी दाल बाटी की जो थाली है वो आ चुकी है, और इसमें देखो क्या क्या आया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं आई है चार बाटी, पापड़, दाल, साथ में ये क्या है, गट्टे की सब्ज़ी, राइस, रायता और लड्डू। तो ये सारी चीज़ें थाली में आई हैं।